सनसनी ऑफ इंडिया। स्मैक बेचने को लेकर हुए झगड़े में गोविंदपुरी इलाके के एक हुक्का बार में विरोधी गैंग के सदस्य की गोली मारकर हत्या करके एक महीने से फरार 25,000 के इनामी शार्प शूटर को जहां साउथ ईस्ट जिले की पुलिस खोजती रह गई, वहीं तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आर के पुरम क्राइम ब्रांच की टीम ने साउथ दिल्ली में फैले अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर मात्र 2 दिन में वांटेड आरोपी का सुराग खोज कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुधार कैंप कालकाजी निवासी 22 वर्षीय अमन उर्फ बाबूलाल के रूप में हुई है। आरोपी अमन उर्फ बाबूलाल ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ 6 मई को विरोधी गैंग से जुड़े कुणाल नामक व्यक्ति की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह कालकाजी थाना इलाके के गोविंदपुरी विस्तार में एक TDM नामक हुक्का बार में अपने चचेरे भाई का जन्मदिन मना रहा था। आरोपी शॉर्टकट रास्ते से मोटा पैसा कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनेश पहाड़ी गैंग से जुड़ गया था। गैंग से जुड़ने के बाद आरोपी को मोटा पैसा और लग्जरी लाइफस्टाइल तो नहीं मिली, लेकिन जेल की सलाखें जरूर मिल गई। दिनांक 6 मई को थाना कालकाजी में नेहरू कैंप गोविंदपुरी निवासी राहुल जोशी नामक एक लड़के ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ TDM कैफे में अपने चचेरे भाई की जन्मदिन की पार्टी में शामिल था। गुलशन नाम का एक शख्स अपने साथियों के साथ वहां आया और उसने कुणाल नाम के लड़के को पीटना शुरू कर दिया। गुलशन ने कुणाल पर चाकू से प्रहार किया और उसके एक दोस्त अमन उर्फ बाबूलाल ने कुणाल पर गोली चला दी और सभी घटनास्थल से भाग गए। पीड़ित कुणाल गोली लगने से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। राहुल जोशी की शिकायत पर थाना कालकाजी में FIR संख्या 209/23 धारा 302, 307/34 और आर्म्स एक्ट 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने कुछ हमलावरों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी अमन उर्फ बाबू लाल फरार होकर अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। जब साउथ ईस्ट जिले की स्थानीय पुलिस, स्पेशल स्टाफ और अन्य क्राइम यूनिट फरार आरोपी अमन उर्फ बाबू लाल के बारे में वारदात के एक महीने के बाद भी कोई सुराग नहीं खोज पाई, तब विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम ने आरोपी को दबोचने की जिम्मेवारी आर के पुरम क्राइम ब्रांच को सौंपी। टास्क मिलते ही DCP अमित गोयल और जॉइंट CPSD मिश्रा ने फास्ट और सख्त डिसीजन लेने वाले ACP उमेश बर्थवाल की सुपरविजन व तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में SI अनुज, अमित, हेड कांस्टेबल सूर्यदेव, रविंदर, जसपाल, दिनेश, सुखवीर और कमल की एक क्रेक टीम का गठन किया। रिस्पांसिबिलिटी मिलते ही तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने वांटेड आरोपी अमन उर्फ बाबू लाल के बारे में सुराग खोजने के लिए टीम के हरेक मेंबर को अलग अलग काम सौंपने के साथ दिल्ली NCR में मुखबिरों के अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। एक टीम ने आरोपी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि वारदात के बाद से आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। टीम ने आरोपी के परिवारजन, सगे संबंधियों, दोस्तों व जानकारों के मोबाइल नंबरों को भी सर्विलांस पर लगाया, लेकिन कोई भी सस्पेक्ट नंबर नहीं मिला। वांटेड आरोपी अमन उर्फ बाबू लाल बारे में जब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और शॉर्टकट रास्ते से जल्दी पैसा कमाने के लालच में दिनेश पहाड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के मन में एक सवाल आया कि वांटेड आरोपी अमन एक महीने से अंडरग्राउंड है लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो फिर फरारी काटने में इसकी कौन मदद कर रहा है। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को पूरा भरोसा था कि आरोपी के कॉल रिकॉर्ड से मददगार का पता चल सकता है। टीम ने फिर से आरोपी के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, मददगार का तो पता नहीं चला, लेकिन एक खास जानकारी टीम के हाथ लग गई। टीम को पता चला कि वारदात वाले दिन आरोपी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन सनलाइट कॉलोनी की थी, लेकिन पहले की जांच टीमों ने लास्ट लोकेशन पर कोई छानबीन नहीं की थी। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने एक चांस लेते हुए आरोपी की लास्ट लोकेशन को खंगालने की योजना बनाई। मुखबिरों के साथ साथ टीम के सदस्य सादी वर्दी में आरोपी की लास्ट लोकेशन की हर गली, घर, ऑफिस व दुकानों को टटोलने लगे। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा की मेहनत रंग लाए। टीम के हेड कांस्टेबल सूर्यदेव को अपने सोर्स से जानकारी मिली कि वांटेड आरोपी सनलाइट कॉलोनी इलाके में ही छिपा हुआ है। हेड कांस्टेबल सूर्यदेव ने सनलाइट कॉलोनी के उस मकान का भी पता लगा लिया जहां पर आरोपी पिछले एक माह से छिपा हुआ था। हेड कांस्टेबल सूर्यदेव की सूचना पर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने टीम के साथ छापा मारा। पुलिस को देखते ही आरोपी छत ही छत भागने लगा और निर्माणधीन एक ऐसी बिल्डिंग में जाकर छिप गया जिसमें लाइट नहीं थी। टीम ने बिल्डिंग को चारों ओर से घेर कर एक एक रूम को चेक किया तो अंधेरे में एक कोने में छिपे बैठे आरोपी को दबोच लिया। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी अमन ने खुलासा किया कि इलाके में स्मैक बेचने को लेकर दिनेश पहाड़ी की निरंजन से दुश्मनी हो गई थी।
जिसके चलते दिनेश पहाड़ी ने नया गैंग बनाया और दिनेश पहाड़ी ने आरोपी अमन को समझाया और कहा कि निरंजन गैंग से जुड़े आर्यन, सैफी, कुणाल अपने साथियों के साथ टीडीएम कैफे गोविंदपुरी एक्सटन दिल्ली में आएंगे। जब निरंजन गैंग के सदस्य भीम, आकाश, आरिफ, उदय, अमन खान, सचिन और गुलशन टीडीएम कैफे गोविंदपुरी पहुंचे तो उन्होंने निरंजन गैंग के सदस्यों पर हमला किया और अमन ने एक लड़के पर गोली चला दी, जिसे बाद में मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी अमन अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। कुछ समय बाद सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमन अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। 22 वर्षीय आरोपी अमन उर्फ बाबूलाल सुधार कैंप कालकाजी दिल्ली का रहने वाला है। इसने केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। ये बेरोजगार है और शॉर्टकट रास्ते से मोटा पैसा कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनेश पहाड़ी गैंग के सदस्य भीम, आकाश उर्फ अक्कू आरिफ, उदय, अमन खान, सचिन और गुलशन के संपर्क में आ गया। आसानी से पैसा कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिनेश पहाड़ी गैंग में शामिल हो गया। स्नसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।